11 से विभाज्यता की जांच। कोई संख्या ABCD लें, इसका विस्तारित रूप है 1000A धन 100B धन 10C धन D। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्ठक में 1001 ऋण 1 A धन कोष्ठक में 99 धन 1 B धन कोष्ठक में 11 ऋण 1 C धन D। इसे इस तरह लिखते हैं ताकि 11 एक गुणनखंड की तरह दिखाई दे। 11 कोष्ठक में 91 A धन 9B धन C ऋण कोष्ठक में A ऋण B धन C ऋण D। 11 कोष्ठक में 91 A धन 9B धन C तो 11 से विभाज्य है ही। यदि A ऋण B धन C ऋण D शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या ABCD भी 11 से विभाजित होगी। अतः नियम है कि 4 अंकों की संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों के जोड़ व विषम स्थान पर स्थित अंकों के जोड़ में अंतर यदि 11 से विभाज्य है अथवा शून्य है तो संख्या 11 से विभाज्य है। संख्या 124,575 के लिए जांच करते हैं। 124,575 अंक में पहले स्थान पर 5, दूसरे स्थान पर 7, तीसरे स्थान पर 5, चौथे स्थान पर 4, पांचवें स्थान पर 2 और छठवें स्थान पर 1 अंक है। स्पष्ट है कि सम स्थान पर 7, 4 और 1 अंक हैं, जबकि विषम स्थान पर 5, 5 और 2 अंक हैं। अंतर बराबर कोष्ठक में विषम स्थान के अंकों का योग ऋण कोष्ठक में सम स्थान के अंकों का योग बराबर कोष्ठक में 5 धन 5 धन 2 ऋण कोष्ठक में 7 धन 4 धन 1 बराबर 12 ऋण 12 बराबर शून्य। अंतर शून्य है अतः संख्या 11 से विभाज्य है। करके देखें, संख्या 19,151 की 11 से विभाज्यता जांचें। इसी तरह 13 की विभाज्यता पता करने के रोचक नियम हैं। सोचें और दोस्तों से चर्चा करके खोजने की कोशिश करें। करके देखें, 1. क्या 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? 2. कोई भी एक ऐसी संख्या चुनो जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। इसी संख्या को 2 तथा 3 से विभाजित करके देखो। क्या यह संख्या 2 तथा 3 दोनों संख्याओं से विभाजित है? 6 से विभाज्यता के नियम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? 3. 4 अंकों 2, 5, 4 और 7 से बनने वाली वे संख्याएं बताओ जो 15 से पूर्णतः विभाजित हैं। 15 से भाग दिए बिना आप यह कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्याएं 15 से विभाजित होंगी? कोष्ठक में विभाज्यता नियमों का प्रयोग कीजिए। 4. ऐसी सबसे छोटी संख्या खोजें जो 7 और 11 दोनों से विभाजित हो। हमने सीखा, 1. हम संख्याओं को व्यापक रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 अंक की संख्या AB को 10A धन B, 3 अंक की संख्या ABC को 100A धन 10B धन C आदि। 2. हम पहेलियों या संख्या खेलों को हल करने में संख्याओं के व्यापक रूप की सहायता लेते हैं। 3. किसी संख्या की 2, 3, 5, 6, 7,
9 व 11 से विभाज्यता का नियम जाना।